देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। बता दें कि ये सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए पैसे का आवंटन करेगी। उसके साथ ही प्रदेश की सरकार अलग अलग विभागों की जरूरी परियोजनाओं को भी पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि आवंटित करेगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई यानी कि आज खत्म हो रहा है। बता दें कि 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल ने यूपी के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। हालांकि अभी तक इस बात की सुगबुगाहट नहीं है कि राज्य का अगला राज्यपाल कौन होगा। सवाल ये भी है कि क्या आनंदीबेन पटेल फिर से ये जिम्मेदारी संभालेंगी या किसी अन्य राज्यपाल को राज्य का प्रभार दिया जाएगा। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि पहले हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने कहा, हमें फैसला लिखने के लिए समय चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रयागराज गाजीपुर सीट से सपा के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिका पर आज दोपहर करीब 1 बजे फैसला आएगा, जिसके बाद अफजाल अंसारी की सांसदी रहेगी या नहीं इस बात का भी फैसला हो जाएगा। बता दें कि सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। महिलाओं के खिलाफ देश भर में बढ़ते अत्याचारों और शोषण के विरोध में महिला कांग्रेस आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी, जिसमें टिहरी से भी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भाग लेंगी। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आशा रावत ने बताया कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में 29 जुलाई यानी कि आज राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जाएगा। गाजियाबाद प्रशासन ने फैसला लिया है कि आज से 2 अगस्त तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने सभी बोर्डों के स्कूल कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है कि जिले में पहले ही 22 अगस्त से यातायात विभाग ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया था। सीए फाउंडेशन जून परीक्षा के नतीजे आज यानी 29 जुलाई 2024 को घोषित किए जा सकते हैं। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल जून में सीए की परीक्षा दी, वो रिलीज होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 20, 22, 24 और 26 जून 2024 के दिन किया गया था। मध्य रेलवे ने पुणे डिवीजन के स्टेशनों से शुरू होने वाली या वहां से समाप्त होने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। ये पुणे डिवीजन के पुणे दौड़ सेक्शन पर दौड़ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की कमीशनिंग के लिए प्री एनआई और एनआई कार्यों के लिए विशेष ब्लॉक के कारण है। Xiaomi 14 सीवी के लिमिटेड एडिशन आज भारत में लॉन्च होने वाले हैं। बता दें कि इस नए वेरिएंट को Redmi Pad SE 4G और Redmi Pad Pro 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन के मिरर ग्लास और वीगन लेदर वर्जन, पिंक ग्लैमरस मोनोक्रोम और इलेक्ट्रिक ब्लू एडिशंस की भी पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के मुताबिक 29 जुलाई यानी आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने के संकेत दिए हैं। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1891 में प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। आज के दिन 1894 में भारतीय राजनीतिज्ञ एडवर्ड गॉबर्ट का जन्म हुआ था। आज के दिन 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था। आज के दिन 1959 में भारतीय अभिनेता संजय दत्त का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 1996 में चीन में 45वां भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।